श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 अक्टूबर को नंदी जयंती का बहुत ही विशेष दिन है। देखो, जो कार्तिक मास का पहला बुधवार का दिन होता है ना, वो नंदी बाबा को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन को नंदी जयंती के नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो अपनी विशेष को लेके, मनोकामनाओं को लेके, इच्छाओं को लेकर के, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 7 चावल के दाने लेने हैं और पीला चंदन एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ना। स्पेशल सा उपाय है, नंदी बाबा का उपाय है, तो आप सभी को करना होगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी दो चीजों की, है ना। सबसे पहली जो चीज होती है वो है, किसी भी उपाय के लिए हमें बेलपत्र चाहिए। कितनी बेलपत्र लेनी है? एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। अब यहां पर बेलपत्र के साथ में हमें चावल के दाने लेने हैं। मैंने आपको स्क्रीन पर भी लिख रखा है कि हमें कितने चावल के दाने लेने हैं, 7 चावल का दाना आपको लेना होगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 7 चावल के दाने लेना, और उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। लाल चंदन हो लाल चंदन, या फिर आपके पास में पीला चंदन हो तो पीला चंदन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे जो बेलपत्र आपको दिख रही है ना, उसमें 3 पत्तियां होती है ना। आपको क्या करना है, जिस स्थान पर जो सबसे बड़ी पत्ती होती है बेलपत्र की, आपको पूरे बेलपत्र पे नहीं लगाना। मैं मान के चलता हूँ कि आपने पीला चंदन लिया, आपके पास में पीला हो लाल हो कुछ भी ले लो, तो आपको ऐसे लंबा में ऐसे से करके खूब लंबे से और ज़्यादा मात्रा में पीले चंदन को, या लाल चंदन हो आपके पास में तो उसको लगा देना, है ना। ऐसे लगा दिया, इतना लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, जब आप उनको समर्पित करोगे तो नंदेश्वर महादेव का स्मरण करें। किसका ध्यान करना है? नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना है। 4 चावल के दाने, 5, 6 और 7, इस तरीके से 7 चावल के दाने को बेलपत्र के बड़े पत्ते पे कोई सा भी चंदन लगा के आपको ऐसे चिपका देना। अरे समझ में आई क्या बात मेरी? चिपका दिया, फिर आप इस तरीके से बेलपत्र को उठाएंगे, साथ ही साथ आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन आपको किसके होंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो जो बेलपत्र वहां पे आपने लिया है, नंदी बाबा के दोनों सींगों के बीच में टच कराएंगे, एक बार स्पर्श करा देना। देखो वहां पे रखना मत, सिर्फ ऐसे हल्का सा टच कराएंगे, और फिर उसी बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, और शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, कुंद केश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया इस कार्तिक मास के बुधवार के अवसर पे, तो यकीन मानिए आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जिस भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित हो या बहुत ज्यादा परेशानियों में चल रहे हो, है ना। समझ में आई क्या मेरी बात? तो आप सभी को करना है, जब आप बेलपत्र समर्पित कर दें, उसके बाद में अगर आपकी इच्छा है तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे ना। देखो मैंने यहाँ पे 3 बार महादेव का नाम लिया है, सबसे पहले समझ लो, गलतियां मत करेंगे। देखो जब आप बेलपत्र के ऊपर उन 7 चावल के दाने को चिपका रहे होगे, तो आपको नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना है। दूसरा, जब आप उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो आपको क्या लेना है? कुंद केश्वर महादेव। और जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। इस तरीके से पूरे नियम विधि विधान से अगर आप महादेव को प्रसन्न करते हो, तो फिर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। चलो नंदी जयंती पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको करना है हरे मूंग के साथ में। आप इसे हरा मूंग कह लो, आप इसे खड़ा मूंग कह लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। पहला उपाय हमारा मनोकामना पूर्ति का था, दूसरा उपाय ये है आपका रोग मुक्ति के लिए। जैसे घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जो सुबह उठते ही उसके दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, तो आप सभी को उपाय करना है। उससे पहले 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड आपका टाइम लूंगा, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। दीपावली का पावन सा अवसर आ रहा है और आपके भाई ने एक ऑफर चला रखा है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, महादेव की सबसे प्रिय सबसे शुद्ध भस्म आपको फ्री मिलेगी 50 ग्राम, और प्लस दीपावली का अवसर है तो कमल गट्टे की माला भी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, भूलिएगा नहीं, मैसेज सभी को करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय को, कितने दाने लेने हैं। 5 दाने आपको खड़े मूंग के लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना।
फिर एक तांबे का लोटा लो। देखो तांबे का लोटा लो या फिर कोई सा भी घर में लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अंदर पहले तो जल भरोगे, स्नान दान का महीना है, कार्तिक मास का महीना है, तो जल के अंदर गंगा जल डालना क्या है, अनिवार्य है। तो आपको जल के अंदर क्या डालना है, गंगा जल डालेंगे। और उसके बाद में इस जल के अंदर अगर आपके पास में जो 5 मूंग के दाने हैं उसको भी डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा दो, टच करा दो। अगर आप खुद इस उपाय को कर रहे हो और आप खुद बीमार रहते हो तो कोई जरूरत नहीं है टच वगैरह कराने की, बट अगर कोई सी और के लिए उपाय को कर रहे हो तो उसके हाथों से एक बार टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे और लेके पहुंच जाएंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही हम पहुंचते हैं सबसे पहले दर्शन हमारे होते हैं नंदी बाबा के। हम सबको पता है कि नंदी बाबा का एक जो पैर होता है, सॉरी, वो उठा हुआ होता है, उसी उठे पैर पे हमें क्या करना है, 6 बार उस जल को चढ़ाना है। और जब आप 6 बार में उस जल को समर्पित कर रहे हो तो पूरा जल ख़त्म मत कर देना, थोड़ा थोड़ा करके 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पर उस जल को समर्पित करेंगे। थोड़ा सा जल अपने कलश के अंदर बचा लेना है ना। जो बचा हुआ जल होगा जब शिवलिंग के पास आप जाओगे तो फेस रख लेना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और जितना बचा हुआ जल है हरे मूंग के साथ में वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर फिर से हमें कुंद केशवर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं और महादेव से यह विनती करते हैं कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारी समस्या को दूर करें, तो सारी समस्या आपकी दूर जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने कितने उपाय की बात कर ली है, अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं नंदी जयंती पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए, चाहे वो कष्ट कितने भी बड़े हों, कितने भी पुराने हो, सभी कष्ट खत्म होंगे। लेकिन कैसे करना है बताऊंगा, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। अब इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन के ना, पीला चंदन सभी घर में होगा। अगर देखो आपके पास में शुद्ध पीला चंदन नहीं है, लाल पीला चंदन नहीं है, तो भी आप मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मेरे पास दानेदार शुद्ध लाल चंदन भी है और पीला चंदन भी है, वो भी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। तो पीला चंदन जो लोगे वो आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है और उसको थोड़ी सी कटोरी में पानी डाल करके हल्का गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। बना लिया, बनाने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से चावल के दाने की। कितने चावल के दाने, आपको 108 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेना। फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, कलश को उठा करके 108 चावल का दाना और पीला चंदन लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। तरीका समझते हैं, जो आपके पास में पीला चंदन है सबसे पहला काम करेंगे उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़्यादा मात्रा में लगाओगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नहीं लगाएंगे, ज़्यादा मात्रा में लगा लेना। और उसके बाद में जो आपकी तकलीफ़ें हों, जो आपकी कष्ट हों, उन 108 चावल के दाने को राइट हैंड में लेके, दाहिने हाथ में लेके चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से उन 108 चावल के दाने को इसी चंदन के ऊपर आपको चिपका देनी है। और जब आप चिपका रहे हों तो अपने हाथों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके अपनी बातें, अपने जीवन के कष्ट महादेव से जो भी व्यक्ति कह देता है, उसके जीवन के जो सारे कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं, सारे काम आपके पूरे हो जाएं, सारी प्रार्थना हो जाए। फिर आपके पास में जो एक लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित कर देना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी, तो करके देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आज की हमारी वीडियो का 4th उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में अगर क्रोध बहुत ज्यादा आता है तो आप इस उपाय को करेंगे, क्या करना है आपको, लेनी होगी बेलपत्र, है ना, ऑड नंबर में बेलपत्र लेनी है। कहने का मतलब है या तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, जितनी आपकी इच्छा है उतने ले लो, बट वो ऑड नंबर में आपको लेने होंगे, विषम संख्याओं में लेने हैं बेलपत्र, है ना। जितनी भी बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को लेके जाएंगे नंदी बाबा के पास में, जो पैर उठा होता है उस उठे पैर के पास में बैठ करके, और ये जो जितनी भी बेलपत्र आपने लिया है एक साथ जो इसकी ठूठ होती है नीचे की, उसको कच्चे सूत से या मौली धागा
कुछ भी आपके पास में हो, उससे अच्छे तरीके से नंदी बाबा के पीछे बैठ करके, उनके उठे पैर के पास बैठ करके बांध देना। बांधने के बाद में फिर इसी बेलपत्र को उठाना, जो व्यक्ति घर में क्रोध करता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर आप उसे समर्पित कर देते हैं तो उस इंसान को एक सही दिशा मिलती है और वो व्यक्ति कभी आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करता, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छे समझाने की। कुछ आपको चाहिए दिवाली के बाद में, ये ऑफर वाले सिस्टम बिल्कुल बंद करने वाला हूँ क्योंकि ये ऑफर के चक्कर में ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसको मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए दीपावली तक आपके पास में ऑफर है, जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी, फिर मैं आपके घर तक पहुँचा दूँ, है ना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।